शांडिल्य जी बात कीजिए, बहुत स्वागत जी आपका। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो गुरु जी, आप सरबत के भले के लिए लगे हुए हैं, आपको तो नए साल मुबारकें जी। आपको भी बहुत बधाइयां, बहुत आशीर्वाद। नव वर्ष बने, नव वर्ष तुम्हें धन धान्य सफलता दे आए, मन दर्पण के सब सपनों को पल भर में पूरा करता है। वाह जी वाह जी, बहुत सुंदर। आपने आज हरियाणा के अंदर जो सफाई अभियान छेड़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान पर वो जनहित में कार्य करवाए तो कोई अवतार करवा सकता है। मैंने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से कल पूरे पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा में की, आज सारे नेशनल चैनलों पर मेरे ध्यान चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी आपको जो है जो पैरोल है, जब तक हाईकोर्ट आता है तब वो आपको कहीं भी जाने का स्वतंत्रता होने के वो अधिकारों का हनन है। जी जी गुरु जी, मैं एक बात चाहता हूँ कि जब जनता को आग लगाई तो उसमें हनुमान जी जरूर थे, जब पौरवों के साथ हुआ तो पांडवों ने लड़ाई लड़ी, और जब कंस का विनाश हुआ तो कृष्ण ने जन्म लिया, तो मैं आपकी इस मुहिम के साथ के मैं तो ये मानता हूँ कि घर के चार लोगों को साथ लेके चलना मुश्किल है, आप करोड़ों लोगों को लेके चले हुए हो। मैं एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपसे आपके लिए देश के कैंप जी से मांग साहब से मांग सकता हूँ कि आपकी जगह जेल नहीं है, आपकी जगह समाज में है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो व्यक्ति वैश्याओं को बेटी बना के अपने घर से विदा करता है वो भगवान है। मेरी नजरों में, आपकी नजरों में, आपकी नजरों में आपका रुतबा एक भगवान कैसा है, और भगवान को तेल जाता तो मैं अगर मैं जब तक आप बाहर नहीं आते तक आप दूध और पानी का पानी आपके साथ जूता कर सके क्या सेशन हाई कोर्ट में बदते करते तो मैं आपको पर आपसे मुलाकात के मैं किसी लालच में आपसे सब मैं सबसे चुका हुआ हूँ। आपको सजा हुई, मैंने पंचकूला में सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कही की थी जी। जो व्यक्ति भारतीय सेना जो बॉर्डरों की रक्षा कर रही है उनके लिए लाखों यूनिट ब्लड इकट्ठा करते हैं, जो देश की बेटियों को स्पोर्ट्स में सबसे एक नंबर पर रखते हैं, हमारे देश की न्यायपालिका ने उसको जेल में भेज कर क्या संदेश देना चाहा इस विश्व में। देखिए पूरा टाइम तो भगवान राम आए, भगवान कृष्ण जेल में हुआ, लेकिन मेरा फ्रंट इंडिया ग्रुप जी आप उस गद्दी पर बैठो तो सतनाम सकती है कौरा पूरे है। वहां पे भजनलाल जी के साथ एक बार आया था, तो मैं आप जब तक आप जेल से बाहर नहीं आते और अगली आपको पैरोल जो मिले अगर आप देश दोगे तो मैं हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ अपने खर्चे पे। आपकी जो पैरोल है का मतलब क्या है, आप काउंट करके अगर मेरी आवाज को हरियाणा की सरकार सुन रही हो तो आपको आपकी पैरोल जो है वो अचानक होनी चाहिए, चाहे आप सरसा पर जाए, क्या आप बठिंडा डेरे पर जाए, क्या आप हिमाचल में जाए, ना कि आपको बाउंड करके बाहर भेजा जाए। वैसे तो जेल की सुरक्षा आपको ज्यादा नहीं रोक पाएंगी, लेकिन इस मुहिम में मैं हनुमान पढ़ के आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो अगर मुझे कोई तब तक आप 40 दिन तक बाहर आए हो पैरोल पे तो मुझे आप एक बार मिलने का समय दें और मैं आपका, आप ये समझिए कि मैं आपका हनुमान हूँ और मैं आपका पांडव भी हूँ, मैं आपका अस्त्र हूँ। आप बाद में सिपाही दे रहे हैं, आज घर कोई बात नहीं करते, आपके लाखों करोड़ों शराब क्या जी, आपको कोटि कोटि आप जो मेरे हैं वो अपना शरीर दान कर रहे हैं और बड़ी बात है नेत्र दान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते रख दिया आपने,
अमित शाह जी, मोदी जी, आपसे नंबर अनुरोध, आप देश से प्यार करते हैं तो संत गुरु साम भी को बाहर निकालते तो समाज का बहुत भला कर सकती है। और आपकी सरकार के से आप सरकार को करोड़ों लोग खुआए, तो मैं इस वाणी के साथ बात काम करूंगा कि आप क्या मुझे आदेश देंगे बाड़ा से अम्बाला और पर दोनों जगह होता हूँ, जब भी आप आदेश देंगे लोगों के साथ देंगे, मैं आपकी लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा, आपका कोई डेरे का आदमी आप वो से आप तो कर रहे हैं। मैं कई बार रात को सोते सोते भी सोता हूँ, आप जैसी आत्मा को मोटी दिए जो राष्ट्र और आप जो है अवतार है मेरी नजर में आप नरेंद्र मोदी आप अवतार हैं समाज में। आप तो हिंदुस्तान का कोई संत आप 2017 से जेल में हैं, एक सिंगल आदमी आपसे नहीं टूटा, और मेरे जैसे भक्त जो भले ही डेरे के जिसने नाम नहीं लिया हुआ है लेकिन वो आपका हनुमान बने हुए हैं, मेरे साथ हजारों ऐसे परिवार हैं जो आपके साथ खड़े हैं। आप मुझे किसी डेरे का टाइम जहाँ टूटे हुए हैं बुरनामा वहां का टाइम दे, और मैं दास नाम जी के जन्मदिन की ढेरों मुबारकें आप देता हूँ, और डेरा आपके नेतृत्व में प्रफुल्लित रहे, और मैं दुआ करता हूँ कि सरकार जो ऐसी इसी 40 दिन में आपकी पैरोल को आपकी सरसा हरियाणा आपकी वेट कर रहा है, आप हरियाणा के बीच आए लोगों के बीच। और अंत में एक बात कहकर कि हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो नाता तोड़ देंगे, गुरु जी हम आपके वो साथी हैं, आपकी सांस रुकी तो अपनी सांस से जोड़ देंगे जी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष को ही महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी महान भगवान नहीं होता। तो आप करोड़ों लोगों के आपके आप करोड़ों लोगों की दुआएं तो आपके साथ हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को जीने का मार्ग जो आप दे रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ कोटि कोटि को, और एक बार फिर सरकार दुआ करता हूँ संत पुरमीत राम रही थी जेल से जुटा होकर परसों कहा था अगर अगर गुरुजी की ताकत देखनी है संत पुरमीत राम रहीम की, उनको 15 मिनट के लिए सुनारिया जेल से अकेले बाहर छोड़ दें और लोगों को बता दें कि गुरुजी 15 मिनट के लिए बाहर आ जाए, तो लोगों को गुरुजी की ताकत का पता चल जाएगा। आवाजें खलक नकारे खुदा, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, और आप मेरी नजरों में भगवान है। जब तक आप जेल से बाहर नहीं आते तब तक मेरी मुहिम जारी रहेगी, और जो आपका डेरे का पंजाब के अंदर अनुयायी मारा गया जिसकी हत्या की गई, मैं उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ता हूँ जी जी जी। आप पारे से उम्मीद करता हूँ आप मुझे दूर एक बार व्यक्तिगत से भाएं, और आप सारी लड़ाई जो भी आपका पूरी लड़ाई लड़ता है पूरी लड़ाई में एक व्यक्ति उसमें आप मुझे अपने हनुमान की तौर पर अपना प्रतिनिधि बनाए, ताकि मैं इस जंग को, क्योंकि मेरी जंग से एक घाना है, शंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जिता दुश्मन से युद्ध कर, जिस तरह माता सीता रावण की कैद में थी ऐसे आप कैद में हैं। अब सरकार ने फैसला देना है, वो अपने तार के आप सफाई जब सत्ता छोड़ के आए, जैसे सरकार आपको सफाई छोड़ कर आए, मैं दूर अगला आपका देश हो गया है, आप जरूर अपना अपने पार्टी से मुझे मेरा करेंगे जी जी। शांडिले जी, आप जो आतंकवाद के खिलाफ और जो बुलंद आवाज से हर बात रखते हैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको और शक्ति दे, ताकत दे, क्योंकि हर किसी बंदे में नहीं होता कि कोई आतंकवाद के खिलाफ बोले भी, और आप तो इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं जबरदस्त, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बात जो है वो आप जिम्मेवार जो हैं हमारे वो सुन रहे हैं, आपसे जरूर बात करेंगे, और आपको बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। हाँ जी, आवाज़ 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 बंद हो गई आपकी,
जी, अब बोलिए, अब आइए आवाज, बोलिए। गुरु जी मैं कह रहा हूँ कि आज पंजाब के टकमाणी में पोस्ट पे और सारे पंजाबी और नेशनल टीवी में चल रहा है मेरा बयान कि गुरु जी की पैरोल को लेके और गुरु जी की रिहाई को लेके। जी 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 क्योंकि आपके साथ जो जो देश है और जो संविधान है उससे उलट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सरकार से कुछ कहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अब तो मोदी सरकार नहीं इस बात को जान अपने सांस को आज के पैर नहीं इतना आपके ऊपर साजिश की जाती है गुरु, जो इंसान सच्चा होता है सूते के ऊपर नहीं करता, ये सारी दुनिया जानती है। आपको साजिश कहता आप जेल में लेकिन डॉक्टर रामपुर शर्मा कहा करते थे सोना जो है आग में जलकर सुंदर बनता है, आप अभी राष्ट्रीय स्तर पे जब आप देश की बाहर आओगे आप विश्व ख्याति संत होंगे, आपको पूरा विश्व सुनेगा और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी दीर्घायु हो, आप निरोग रहें और ऐसे ही दुनिया में अपने कंठ से सत्संग कर बुराइयों को खत्म करें और इस सरकार को सद्बुद्धि आए, आप इस तरह का वाणी भी अपने कंठ से जरूर निकालें क्योंकि संतों की आवाज गुरु गोविंद दो खड़े काटे लाख पाए चार गुरु आप तो आप इस सरकार के लिए भी दुआ करें कि ये सरकार अपने पुराने फैसलों का खंडन करे और आप जैसे महान सितारों को से बाहर निकाल समाज की बुराइयों को समाज की गंदगी को अपराध को। मैं आज भारत सरकार को एक कहता हूँ कि गुरु जी को 60 दिन के लिए फ्री हैंड दे दो, अगर हिंदुस्तान के अंदर नशा नाम की कोई चीज मिल जाए तो मेरा सर कटा जाए चौक पर, कुछ इतनी ताकत है आप में, आप जैसे संतों की देश को जरूरत है। जिस तरह मोदी को मैं संत कहता हूँ, मोदी को अवतार कहता हूँ, दूसरे नंबर पे अगर मैंने किसी को संत और अवतार कहा तो वो आपको कहा जी। तो मैं इसी संतों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ और साथ सतनाम जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर डेरे के तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं को नमस्कार करता हूँ और जो उनका शाही साथ सतनाम जी का ओरा है वो पूरे समाज में देश में विश्व में बना रहे। और मैं आपसे एक अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मुझे डेरे पर जहाँ भी आपका इस पर विश्वास है वहां मुझे मिलने के लिए समय दिया जाए, लोगों को ऐसे मैं परिवार के साथ करता हूँ। और मैं आपको एक और याद करना चाहता हूँ, जब आपका अम्बाला में ट्रायल चल रहा था जी, तो अम्बाला में ट्रायल चल रहा था तो अम्बाला में एक लीडर था जिसने कहा था कि ये सरसा वाले डेरे अपने छापता है इसका दफ्तर फूक दिया जाए। मैं आपके उस वक्त छक में खबरें छापता था तो मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके फूको और उसके बाद बादशाही बाग के बाहर अमिताभ ढिल्लो एसपी होते थे उन पे कुछ कट्टरपंथियों ने पथराव किया, उस पथराव का मैंने पुलिस के साथ खड़के जवाब दिया। तो गुरु जी लोहा ही लोहे को काट सकता है, संत गुरमीत जी लोहा ही लोहे को काट सकता है, हम आपके लोहे हैं, हम आपके लिए गर्दन देने के लिए सीट छुवाने के लिए आपको जंग जारी रहे लोगों को छोड़ता रहूंगा समाज को जोड़ता रहूंगा, कोई भी नहीं बड़ा जो पत्र चैनल का वो आपको लेके ले। और तो ये भी पत्रकारों को तो गुरु जी जजमेंट है वो जजमेंट पढ़ो, उस जजमेंट में गुरु जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो गुरु जी मैं आज आपके साथ इतनी वाणी करके विराम लेता हूँ, अगर कोई शब्द संगत को बुरा लगाओ आपको बुरा लगाओ तो कीमा का जाचक हूँ, माफी के योग्य हूँ, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। भगवान आपको कल जितना बाहर आओगे गुरु जी मैं हनुमान जी आपके लिए लोगों का लंगर करूंगा, नमस्कार प्रणाम गुरु जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि जो नेक नियत रखते हैं और समाज के लिए बुराइयों का डट के सामना करते हैं भगवान उन्हें खुशियों से माला माल करे आपको और दया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका,